हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मैच अफगानिस्तान वर्सेज नीदरलैंड जो चल रहा था, वहाँ पे अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को पूरी तरह हराया है। अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। अंक तालिका में अफगानिस्तान ने बुरी तरह नीदरलैंड को हराया, वहाँ की पाकिस्तान से आगे निकल गए पॉइंट्स टेबल में। अब मैं आगे बात ये करूँ कि 5वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर आ गए, वहाँ की 4थे नंबर पर न्यूजीलैंड है, 3रे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 2nd नंबर पर साउथ अफ्रीका है, 1st नंबर पर इंडिया है और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में जीत के हैट्रिक लगा दी है। अफगानिस्तान ने शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत हासिल की। अफगानिस्तान को 180 रनों का टारगेट मिला था, उन्होंने 31 पॉइंट 3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर आसान से चेज कर लिया। अफगानिस्तान ने मौजूदा वर्ल्ड कप 7 मैचों में ओवरऑल 4थी जीत अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के दौर में बनी हुई है, उसके 8 अंक हो गए हैं। नीदरलैंड ने 5वीं हार का सामना करना पड़ा है, उसके खाते में 4 अंक हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने सादी हुई शुरुआत की है। रहमुल्ला गुरबाज ने 10 रन, इब्राहिम जान 20 ने पहले विकेट के लिए 27 रन जोड़े। गुरबाज की वो मैनबिक ने 6ठे और जादरन को डेल मारवे ने 11वें ओवर में आउट कर दिया। इसके बाद रहमत शाह और कप्तान हसमुल्ला शहीदी ने 3रे विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप की है। रहमत ने 54 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, 23वें ओवर में जुल्फिकार का शिकार बने। रहमत 8 चौके लगाए। शहीदी हजमतुल्ला और रुमनया ने 4थे विकेट के लिए 52 रन के अटूट सरदारी की। शहीदी ने 64 गेंदों पर 6 चौके के साथ नवाज 56 रन बनाए और रुमनया ने 28 गेंदों में 31 रन बनाकर नवाज लौटे 3 चौके ठोके। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर 46.3 ओवर में 179 रन पर सिमट गई। सैबर्ट एंग्रोबर्ट 58 रन, 26 रन बनाए। मैक्स ओकाउड ने 42 रन, कॉनवे एकरमैन ने 29 रन का योगदान दिया। ओकाउड का एकरमैन के 2रे विकेट के लिए 69 रन की सहदारी की। नीदरलैंड की खाता हालत अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसके 5 खिलाड़ी 97 रन पर पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड के 6 खिलाड़ी 2.5 अंक का आंकड़ा तक नहीं छू सके। वेसी ने 1, कप्तान रॉबर्ट 0, बस डी लीडर 0, साकिब 3, ओगन मैनबिक 4 बल्ला नहीं चला। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद अमीन सबसे ज्यादा 3 विकेट, नूर अहमद 2 विकेट और मुजीबुर रहमान ने 1 विकेट लिए। नीदरलैंड के 4 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मैच अफगानिस्तान वर्सेज नीदरलैंड जो चल रहा था, वहाँ पे अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को बुरी तरह हराया है। अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। अंक तालिका में अफगानिस्तान ने बुरी तरह नीदरलैंड को हराया, वहाँ की पाकिस्तान से आगे निकल गए पॉइंट्स टेबल में। अब मैं आगे बात ये करूँ कि 5वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर आ गए, वहाँ की 4थे नंबर पर न्यूजीलैंड है, 3रे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 2nd नंबर पर साउथ अफ्रीका है, 1st नंबर पर इंडिया है और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में जीत के हैट्रिक लगा दी है। अफगानिस्तान ने शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ 7 विकेट से दमदार जीत हासिल की। अफगानिस्तान को 180 रनों का टारगेट मिला था, उन्होंने 31.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर आसान से चेज कर लिया। अफगानिस्तान ने मौजूदा वर्ल्ड कप 7 मैचों में ओवरऑल 4थी जीत अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के दौर में बनी हुई है, उसके 8 अंक हो गए हैं। नीदरलैंड ने 5वीं हार का सामना करना पड़ा है, उसके खाते में 4 अंक हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने सादी हुई शुरुआत की है। रहमुल्ला गुरबाज ने 10 रन, इब्राहिम जान 20 ने पहले विकेट के लिए 27 रन जोड़े। गुरबाज की वो मैनबिक ने 6ठे और जादरन को डेल मारवे ने 11वें ओवर में आउट कर दिया। इसके बाद रहमत शाह और कप्तान हसमुल्ला शहीदी ने 3रे विकेट के लिए 74 रन की पार्टनरशिप की है। रहमत ने 54 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, 23वें ओवर में जुल्फिकार का शिकार बने। रहमत 8 चौके लगाए। शहीदी हजमतुल्ला और रुमनया ने 4थे विकेट के लिए 52 रन के अटूट सरदारी की। शहीदी ने 64 गेंदों पर 6 चौके के साथ नवाज 56 रन बनाए और रुमनया ने 28 गेंदों में 31 रन बनाकर नवाज लौटे 3 चौके ठोके। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर 46.3 ओवर में 179 रन पर सिमट गई। सैबर्ट एंग्रोबर्ट 58 रन, 26 रन बनाए। मैक्स
ओकाउड ने 42 रन, कॉनवे एकरमैन ने 29 रन का योगदान दिया। ओकाउड का एकरमैन के दूसरे विकेट के लिए 69 रन की सहदारी की। नीदरलैंड की खाता हालत अंदाज